हाय गाइस, दिस इज राजू मिश्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिक टेक्निकल ज्ञान। आज मैं बात करने वाला हूँ नेक्सस 3 का। तो दोस्तों, नेक्सस 3 को कैसे इंस्टॉल करना है तो पूरा वीडियो पे बने रहे, बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है। आप उस चीज को फॉलो करोगे 100% जो है, और वीडियो आपको अपलोडिंग जो है आपको मेरे साइट पे मिल जाएंगे www.musictechnicalgyan.in पे, ठीक है, जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद जो है हम बात करें इसे इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे दो फाइल आपको DLL मिलती हैं, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर बहुत कम लोगों के पास होंगे या नहीं होंगे पता नहीं मेरे को, बट जो है DLL आज मैं ज्यादातर जो है लोग, मैं बोल भी नहीं सकता, बट जो है आप समझदार है गए होंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे दो फाइल आपको मिलती हैं, VST और REFX नाम से दो फाइल। तो आपको सबसे पहले VST को कॉपी करना है, कॉपी करके इसको लेके जाना है कहाँ, C ड्राइव में जाना है, अपने दिस PC को ओपन करना है C ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम 86 और प्रोग्राम डाटा, तीन फाइल मिलते हैं वहां पे जो मेन होती है। तो आपको जाना है सबसे फर्स्ट प्रोग्राम फाइल में। प्रोग्राम फाइल में आप जब जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कॉमन फाइल, कॉमन फाइल्स के अंदर VST3, ठीक है। तो VST3 के अंदर इसे हमें कर देना है पेस्ट, ठीक है। VST3 के अंदर हमने कर दिया पेस्ट। अब हमें क्या करना है, REFX को कॉपी करना है, ठीक है। VST को हमने कर लिया, अब REFX को हमें कॉपी करना है। REFX को कॉपी करने के बाद फिर से हमें जाना है दिस PC और C ड्राइव में जाने के बाद यूजर नहीं भी होता है बाय मिस, तो यूजर की जगह पे क्या हो जाता है कि आप अपने कंप्यूटर जब फॉर्मेट होते हैं आपके कंप्यूटर, तो उस टाइम जो है आपका जो नाम डाला जाता है तो वो नाम होते हैं। नाम नहीं आपने डाला है तो वहां पे आ जाएंगे यूजर। तो आपका नाम हो या यूजर हो तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने नाम नहीं डाला है क्योंकि मैं डालता भी नहीं हूं ऐसे भी। तो यूजर में जाना है, यूजर में जाने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाके इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। किसी फाइल के अंदर नहीं, सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जाना है और उसे बार फेस कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है बैक हो जाना है, और फिर से आपको लेफ्ट साइड में आप देखो एक कॉलम सा बन के आता है जहां पे कि आपका डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट पिक्चर वगैरह होते हैं, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट सारा होगा। डॉक्यूमेंट पे आप डाउनलोड के नीचे होते हैं या डाउनलोड के ऊपर होंगे, डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो है इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इसे पेस्ट कर देना है REFX को, यहाँ भी दो जगह आपको पेस्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको अपने लाइब्रेरी के अंदर जाना है जहां पे आपका नेक्सस का कंटेंट है, नेक्सस कंटेंट के अंदर जाना है, ठीक है, जिसके अंदर की 9th आपके फाइल होंगे, 9 फाइल होंगे, ठीक है। तो उस फाइल के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ नेक्सस कंटेंट के अंदर जाना है जहां पे आपको वो 9 फाइल दिखाई दे दे जो लाइब्रेरी नेक्सस का है, ठीक है। इसके बाद ऊपर कॉलम में आप देखोगे दिस PC लोकल, जिस ड्राइव में होगा आपके ऐप में, डी में, सी में, जिसमें भी आपका वो रखा होगा, ठीक है, वहां पे वो लोकेशन ऊपर लिखा हुआ आता है दिस PC। आप देखते हो ऊपर जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो ऊपर ही लिखा आता है दिस PC वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस पे आपको क्लिक करना है और उस लोकेशन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। उस लोकेशन को हमने कॉपी कर लिया और फिर से हमें जाना है दिस PC में यूजर जानने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट जहां पे हमने REFX दोनों जगह जहां जहां पेस्ट किया दोनों जगह में जाना है। दोनों जगह हम जब REFX के अंदर जाते हैं बिल्कुल अंदर फाइल के पास, तो वहां पे एक सेटिंग नाम का नोट पैड आता है सेटिंग, ठीक है, उसे ओपन कर लेना है और वहां पे लाइब्रेरी का लोकेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहता है R वगैरह, वहां पे आपको इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है Y से लेके R तक, यानी फाइल का पूरा लोकेशन है Y से R तक। मैं वीडियो ऐसे छोड़ दूंगा, देखता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो ये मेरे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, बाय मिस मैं नहीं छोड़ता हूं वीडियो, तो आपको मेरे स्क्रीन पे यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और इसके बाद जो है हमें
वो डंडा डबल कर देना है। ओके आप चाहे इधर कर दो या उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई सा भी डंडा लगा दो, लेकिन लगना यही चाहिए बटे वाला। ठीक है, अब इसे हम कंटेंट को कर लेंगे कॉपी। यहां से कॉपी करने के बाद हम जाके डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर देंगे कॉपी। इसे हम कर देते हैं सेव डॉक्यूमेंट, ये रहा आरईएफएक्स नेक्सस। और मैं आपको यहां दिखाऊंगा भी तो मैं नेक्सस के नाम को जो है मैं हिडन कर दूंगा। ठीक है, तो आप समझ लेना कि नेक्सस का नाम हिडन कर रखा है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया सेव। अब हम अपने क्यूएस को ओपन करते हैं। छोटी छोटी टेक्निकल जो बातें होती है ना, छोटी छोटी वो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पे पढ़ें आप कि वहां पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तब तो हम लोग हमारे जैसे लोग हैं ही। बट यदि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे, पढ़ के यदि आप आगे बढ़ते हुए इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यदि कहीं पे आप थोड़ी बहुत मतलब कहा जाए बगैर पढ़े, तो ये हमारा आ गया पूरी लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। तो आप भी ऐसे ही करें और मैं वीडियो होगा तो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।